यूपी हो या बिहार, दिल हो या दिल की बात, अनारकली का जब भी नाम आता है लोगों की बात सीधे दिल पर ही जाती है। तो आइए पूछते हैं अनारकली से ही कि उनका क्या रोल है। तो मैम, अनारकली ऑफ आरा, इसमें आपका क्या किरदार है? अनारकली आरा शहर, जो बिहार का एक शहर है, उसकी गाने वाली है जो द्विअर्थी गाने गाती है जश्न के माहौल में, शादियों के माहौल में। और वो बहुत अच्छी गायिका है, स्टार है छोटी सी आरा की, लेकिन स्टेज पे उसके साथ एक ऐसा कांड हो जाता है जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, मायने बदल जाते हैं और उसकी एक लड़ाई शुरू होती है। तो अनारकली न सिर्फ एक टैलेंटेड अभिनेत्री है, न सिर्फ ना एक गायिका है अभी टैलेंटेड, लेकिन साथ ही साथ वो एक बहुत ही सशक्त महिला किरदार भी है। मतलब कि अगर हम मान लें, अगर हम असली की जो अनारकली थी जिनका पहले से नाम चलता हुआ आ रहा है, उनसे ये बहुत ज़्यादा ही एट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा ही आगे निकलने वाली है। मुझे तो मुगले आजम की अनारकली भी बहुत पसंद है, मैं मधुबाला जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मुझे लगता है कि उस अनारकली और इस अनारकली दोनों में कुछ चीज़ें समान भी हैं। जैसे एक तरीके से देखें तो वो अनारकली भी बगावत ही कर रही थी। जो अनारकली शहनशाह के सामने खड़ी होकर बोल सकती है कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या, ये इसमें एक बगावत है। सिमिलरली हमारी अनारकली भी एक तरीके की बगावत कर रही है एक सत्ताधारी इंसान के सामने, आदमी के सामने, और कह रही है कि तुम चाहे जितने भी तुम्हारा वर्चस्व हो राजनीति में या पैसों से, तुम भगवान नहीं हो, और अगर तुमने गलती करी है तो तुम्हें उसकी भुगतनी पड़ेगी। मतलब क्या हम कह सकते हैं, प्यार के आगे कुछ किसी का बस नहीं चलता गालिब। हाँ, एक तरीके से, लेकिन ये फिल्म उतना रोमांस के बारे में नहीं है, ये फिल्म एक कलाकार के बारे में है, एक ऐसी शख्स के बारे में है जो हाशिए पर है और जो अपनी जो वो औकात जो समाज उसे दे रहा है वो उस औकात में खुश नहीं है। वो कह रही है नहीं, तुम नहीं बताओगे मुझे मेरी औकात क्या है, मैं एक इंसान हूँ, मेरी अपनी एक इज्जत है। मतलब कि अगर हम बात करें कि इस फिल्म को हम एकदम अलग ही जगह आइटम नंबर जो है दिखाए जाते हैं, आजकल आइटम नंबर जो है सबसे ज़्यादा चल रहे हैं फिल्मों के अंदर, तो इस फिल्म में भी कोई ऐसा एक आइटम नंबर है जिसको देखकर हम? वेल, ऑब्वियसली इस फिल्म में तीन आइटम नंबर है, एक नहीं तीन आइटम नंबर है, और इस तरीके से बहुत कमर्शियल, रंगीन, मज़ेदार फिल्म भी है। बहुत अच्छा म्यूज़िक है, रोहित शर्मा ने दिया है, बहुत मज़ेदार लिरिक्स हैं, अलग अलग तीन चार अलग लिरिक राइटर्स ने लिखे हैं, राम कुमार सिंह ने लिखे हैं, रविंद्र रंधावा ने लिखे हैं, प्रशांत इंगोले ने लिखे हैं, अविनाश दास जी ने खुद लिखे हैं, और डॉक्टर सागर ने लिखे हैं। तो बहुत ही एक बुके है गानों का भी, तीन आइटम नंबर है। लेकिन हमारी फिल्म की खास बात यह है कि हमने नॉर्मली फिल्में आइटम नंबर को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं ग्लैमर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। आप उन लड़कियों को जिनके नाम आप रख लेते हो, मुन्नी बदनाम और जवान शीला और चिकनी चमेली, आप उन्हें सिर्फ एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हो। हमारी फिल्म ने उन लड़कियों की दुनिया दिखाई है, उन्हें एक आवाज़ बख्शी है, उन्हें कहानी बख्शी है, उन्हें एक अस्तित्व बख्शा है, उन्हें एक लड़ाई दी है, और इसलिए उन्हें एक तरीके से मुझे लगता है एक इज्जत दी है, एक इंसानियत दी है। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो एक फिल्म के अंदर एक म्यूज़िक उसका बहुत अहमियत कर रखता है, तो इन गानों के अंदर कुछ ऐसा है कि वो हर एक गाना किसी को कुछ महत्व देता हो या कुछ आइडिया देता हो? डेफिनेटली अलग अलग किस्म के गाने हैं, तीन परफॉर्मेंस के गाने हैं जो द्विअर्थी हैं, जो मज़ेदार हैं, चटपटे हैं बहुत, उनमें लोकल फ्लेवर है। इसके अलावा सोनू निगम साहब ने मन बेकैद करके एक बहुत ही मॉडर्न सा गाना गाया है जो मुझे लगता है यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा। रेखा भारद्वाज जी ने एक बहुत ही खूबसूरत ठुमरी भी गाई है। एक बहुत ही मज़ेदार गाना है सारा रारा जो एक किस्म का एंथम है, और बहुत सारे रिहर्सल के गाने हैं जो बहुत मज़ेदार हैं। तो हाँ, बहुत कम्प्लीट किस्म का पैकेज है गाने का। थैंक यू। तो ये थी स्वरा भास्करा अनारकली ऑफ आरा से। मैं कैमरामैन आदित्य के साथ दीपांश विजय, न्यूज़ पॉइंट। We'll be right back.